Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, yesterday we did the first part of target teaching. और उसमें हमने sentence completion किया था, usage किया था और correction किया था. एक question था जो मैं चाह रहा था कि हम इसको थोड़ा सा revise कर लें और उसकी technique को भी follow up कीजिएगा. जैसे ये question था यहाँ पे 2010 में कि ये वाला सॉरी 2009 में क्वेश्चन था, ये वाला क्वेश्चन नंबर 3. ही वाज डैश ऑफ थेफ्ट इन द कोर्ट. हमने कहा था कि जी कोर्ट के अंदर जो बात की जाती है वो चार्ज शीट जो लगाई जाती है, लेकिन चार्ज के साथ प्रेपोजिशन आती है विद, और यहाँ पे लगा हुआ है ऑफ. तो ये हमें क्लू देगा कि चार्ज ऑफ नहीं होता बल्कि अक्यूज ऑफ होता है, और ही ब्लेम ऑन मी होता है. ठीक है ना, ही ब्लेम्ड ऑन मी. तो ब्लेम के साथ प्रेपोजिशन ऑन लगती है, अक्यूज के साथ ऑफ लगती है, चार्ज के साथ दे लगती है. तो लिहाजा हमारा यहाँ पे ऑप्शन जो है वो डेल्टा ऑप्शन होगा. वो सेकंड पार्ट के अंदर मैंने इसके आंसर्स भी हमने डिस्कस किए थे. तो जारी बात, वीडियो अपलोड नहीं हुई थी, लेकिन चले अब सेकंड वीडियो में हम इसको क्लियर कर रहे हैं. लेवर जी, आप हम करेंगे क्वेश्चन नंबर ये हमारा पास्ट ईयर पेपर है 2010 का, 2010 में जो क्वेश्चन आया. तो माई एडवाइस हैड नो डैश ऑन हिम. तो अब आप देखें कि यहाँ पे माई एडवाइस वाला अगर आपको यहाँ वर्ड नजर आ रहा है, देखें एडवाइस नजर आ रही है आपको, तो ये जो एडवाइस है ये नाउन है. और हमने पढ़ा था कि इसकी निशानी ये है नाउन की, एक तो ये सी से शुरू होता है. दूसरी बड़ी निशानी ये है कि इसके साथ पोजेसिव एडजेक्टिव लगा हुआ है. और आप जानते हैं बेटा, जहां कहीं पोजेसिव एडजेक्टिव आता है, और अगर आपको याद है ना पोजेसिव एडजेक्टिव बेटा कौन कौन से होते हैं, पोजेसिव एडजेक्टिव. जी बेटा, आप तो मुझे मैसेज आना शुरू हो गए हैं, क्वेश्चन आप साथ साथ बेटा आंसर दे सकते हैं. जी बेटे साथ साथ देखिए बेटा, आपको याद होगा कि मैंने आपको पोजेसिव एडजेक्टिव्स के बारे में एक बात बताई थी कि वो जहां कहीं पोजेसिव एडजेक्टिव आएगा मेरे बच्चों, ठीक है. पोजेसिव एडजेक्टिव का मतलब होता है कि वो माए होगा, आवर होगा, माए आवर और देयर है, माए आवर देयर हिज है और हर है, और इसके बाद अगर हमें लिख लिया देर लिख लिया हिजर लिख लिया और इट्स लिख लिया. ये जितने भी माय आवर देर हिज हर इट्स जो हैं ये पोजेसिव एडजेक्टिव हैं. इनके बाद आने वाला नेक्स्ट वर्ड बेटा हमेशा नाउन होगा, ठीक है. तो उसका मतलब पता चल गया कि यहाँ पे ये एडवाइस जो है वो नाउन आना चाहिए. और यहाँ पे अगर एस एस लिखा होता तो गलत होता, लेकिन हम करेक्शन नहीं कर रहे हैं. तो ये जो पोजेसिव शो करते हैं जी, पोजेशन शो करता है, बिल्कुल ठीक. तो इसके बाद माय एडवाइस हैड नो. अब बेटा जी नो जो है ना ये भी एक एडजेक्टिव है, आपकी तलाक क्लियर है बेटा जी. नो भी एक एडजेक्टिव है, ठीक है बेटा. नो एडजेक्टिव है और नॉट एडवर्ब है, ये याद रखिएगा. तो नो के बाद भी अब आने वाला नेक्स्ट वर्ड नाउन होना चाहिए. तो नाउन के साथ आप देखते हो कि इफेक्ट ए वाला है और इफेक्ट ई वाला, लिहाजा जो हमारा इफेक्ट ई वाला जो हमारा आंसर होना चाहिए, ठीक है बच्चों. यहां तक बात क्लियर हो रही है. अब इन्फ्लुएंस भी है, हम कहते हैं माय एडवाइस हैड नो इन्फ्लुएंस ऑन हिम या इंप्रेशन ऑन हिम. तो बेटा जी इंप्रेशन भी हो सकता है, इन्फ्लुएंस भी हो सकता है. इन्फ्लुएंस जो है वो असरअंदाज होना होता है, पर्सनैलिटी असरअंदाज होती है. इंप्रेशन मतलब किसी बात का जहन में नक्श बैठ जाने को कहते हैं. तो जो यहाँ पर जो कॉलोकेशन के लिहाज से वर्ड है वो इफेक्ट ए वाला आंसर आएगा, ठीक है जी. बिल्कुल कॉमन वर्ड था, ईजी वर्ड था, तो हम इसको कर सकते हैं. लेकिन इसके बाद है डू नॉट लूज हार्ट, इट इज जस्ट अ डैश इन द कप ऑफ टी. अब ये बेटा ईडियम है, idiom जो होता है इन द टी कप, इन द टी कप यानी चाय की प्याली में तूफान उठना. अब ये एक idiom है, इसका मतलब है कि idiom भी आ सकते हैं, phrases भी आ सकती हैं, dictum भी आ सकते हैं. तो wind in the teacup नहीं होता, cyclone in the teacup नहीं होता, blast in the teacup नहीं होता, बल्कि इसके लिए जो वर्ड storm in the teacup, ये एक idiom है. तो इसके वाले से तो कोई दूसरी राय ही नहीं है, तो इसलिए हमारा डेल्टा ऑप्शन करेक्ट होगा. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, पाकिस्तान डैश फ्रॉम वोटिंग अगेंस्ट ईरान इन द यूनाइटेड नेशंस. आप देखें बेटा जो दा यूनाइटेड नेशन लगा हुआ है, ये हमने रूल्स पढ़ा हुआ था इसके लिहाज से. तो पाकिस्तान डैश फ्रॉम वोटिंग अगेंस्ट ईरान इन द यूनाइटेड स्टेट. तो पाकिस्तान प्रिवेंटेड फ्रॉम, प्रिवेंटेड अस, प्रिवेंटेड एक जो है वो ट्रांजिटिव वर्ब है, इसका मतलब कि ऑब्जेक्ट होना चाहिए. तो पाकिस्तान प्रिवेंटेड अस, पाकिस्तान प्रिवेंटेड डैश, पाकिस्तान प्रिवेंटेड समथिंग. तो पाकिस्तान ने किसी को रोका नहीं था कि वो उसको जनाब जी के वो ना करे, बल्कि वो रुका रहा, उसने अपने आप को रोका. तो जब हम अपने आप को रोकते हैं तो हम उसके लिए डिटेन किसी को कैद करने के मानों में आता है, प्रिवेंट रोकने के मानों में आता है, एब्सटेन अपने आप को रोकने के वाले से आएगा. तो पाकिस्तान एब्सटेन्ड फ्रॉम, पाकिस्तान एब्सटेन्ड हिमसेल्फ
from voting against Iran in the United States, तो इसका abstain from इसका जो है वो आंसर होना चाहिए, ठीक है। अभी हम इसकी पास्ट पेपर में जाके देखेंगे, उसके आंसर भी देखेंगे कि हम किस अंदाज से आंसर ले रहे थे, वहां पे कौन सा आंसर है, कौन सी ऐसी वजह थी। मैंने आपको ये पहले बताया कि ये जिस अंदाज से मैं आपसे बड़े डिस्कशन कर रहा हूँ, ये बिल्कुल ऐसे कर रहा हूँ एक स्टूडेंट जैसे डिस्कस कर रहा होता है, या स्टूडेंट के जहन में जो क्वेश्चन आ रहे होते हैं उस तरह से वो जो मिस्टेक्स कर सकता है, बिल्कुल बेटा वो इस अंदाज से हम क्वेश्चन कर रहे हैं। अभी हमको फाइनली डिस्कस करेंगे इसको बाद में जाके। इसके बाद ये एक दरस हमारा ये फेज खत्म हो जाएगा ना, फिर हम बाद में इसके आंसर जब डिस्कस करेंगे तो दोबारा देखेंगे हमने ऐसा आंसर क्यों दिया, हमने क्या ऐसी मिस्टेक हुई कि हम जो है ना वो जिस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे थे वो गलत क्यों थी हमारी। जी बच्चों, हमारा आंसर यहाँ पर 2000 जी, तो हमने कहा कि यहाँ पे एब्सटेन ही, हमने जो प्ली ली थी कि प्रिवेंट किसी को रोकने को कहते हैं और एब्सटेन खुद रोकने को कहते हैं, तो पाकिस्तान एब्सटेन हिमसेल्फ फ्रॉम वोटिंग आना चाहिए था। तो ये चार्ली हमारा ये आंसर बन रहा है। नेक्स्ट बाकी जब हम आंसर शीट देखेंगे तो फिर इसको मजीद डिस्कस करेंगे इसके ऊपर। नंबर 4 में प्लीज डैश द डोर आफ्टर यू, अब हम कहते हैं जी प्लीज क्लोज द डोर आफ्टर यू भी हो सकता है, प्लीज शट द डोर आफ्टर यू भी हो सकता है, प्लीज लीव द डोर आफ्टर यू ये नहीं हो सकता, लेकिन इसके मीनिंग चेंज हो जाएंगे, और प्लीज नॉक द डोर आफ्टर यू ये भी हो सकता है, सारे ही हो सकते हैं, मजे वाली बात है ना यहाँ पे, ठीक है। अब हम इसको लॉजिक के साथ देखने की कोशिश करते हैं कि यार जब ये सारे हो रहे हैं तो हम कहते हैं कि दरवाजे के साथ हम कौन सा वर्ड यूज कर सकते हैं, क्लोज द डोर भी यूज करते हैं, और नॉक द डोर जो है ना वो हम नहीं यूज करेंगे यहाँ पे, क्योंकि नॉक द डोर का मतलब ये है कि कुछ सेंस नहीं बनती है कि अपने पीछे दरवाजे को दस्तक दे के आना, ये बच्चा थोड़ी है कि दस्तक दे के भाग जाएगा, तो प्लीज लीव द डोर आफ्टर यू ये भी कोई कॉमन सेंस की बात नहीं बन रही। अब क्लोज और शट में हमारी जो है वो टाई पड़ गई है, ठीक है। अब हम या तो क्लोज कह सकते हैं प्लीज गो क्लोज द डोर आफ्टर यू, और प्लीज शट द डोर आफ्टर यू, शट में थोड़ा सा सख्ती आती है कि जोर से दरवाजा बंद करने को शट कहते हैं, क्लोज नरमी के साथ भी कहते हैं। अच्छा, अब हमारा यहाँ पे जब टाई पड़ती है तो हम देखते हैं कोलोकेशन कौन सा ज्यादा बेहतर होता है, कोलोकेशन में क्या होगा, तो कोलोकेशन के हम अक्सर देते हैं प्लीज शट द डोर, ठीक है ना, ही कैप द डोर शट, यू नो ही शट द डोर ओपन, ये इस तरह करके आवाज आती है, ही शट द डोर, तो प्लीज शट द डोर आफ्टर यू बंद कर देने के मानों में आता है, तो बंद करने के लिए हम, मेरा ख्याल है कि यहाँ पे जो है ना शट का आंसर ही आना चाहिए। बाकी बेटा जब इसका आंसर हम आंसर शीट को करेंगे तो सेकंड हम डिस्कशन इसके साथ करेंगे कि क्यों आंसर जो है वो दिया गया, ठीक है जी। इसके बाद हमारा आंसर यहाँ पे शट आना चाहिए, क्यों क्यों आना चाहिए, प्लीज शट द डोर आफ्टर यू, दरवाजे को अपने पीछे बंद कर जाते हुए बंद कर दीजिएगा दरवाजे को, ठीक है, क्योंकि आप अक्सर आप कोलोकेशन में देखते हैं तो शट का डोर लग रहा है, ठीक है ना, दिस इज व्हाट आई थिंक अबाउट इट, ठीक है। इसके बाद हम क्लोज भी आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, अब देखते हैं कि इसका आंसर क्या है, हम अगली डिस्कशन आंसर के साथ जो करें। अच्छा, ये हमारा फर्स्ट पार्ट है डिस्कशन का, जिसमें हम एक ऐसे जो स्टूडेंट के जहन में जो क्वेश्चन आ रहे होते हैं हम उसके साथ हम डिस्कस कर रहे होते हैं, ठीक है जी। चले जी, इसके बाद हमारे पास आ गया जनाबे वाली क्वेश्चन, ये आ गया 2011, शी मैनेज टू डैश अ टिकट फॉर द क्रिकेट मैच, अब क्रिकेट मैच हो रहा है उसके लिए टिकट जो है वो लेनी है, तो प्रोक्योर का मतलब होता है मैनेज करना किसी तरह से, प्रोक्योर ऑब्टेन के मानों में भी आता है, ठीक है ना, उसने टिकट हासिल की। अब ऑब्सक्योर का मतलब तो मुबहम होता है, ऑब्सक्योर का मतलब होता ही है कि कोई चीज वेग हो गई है, ऑब्सक्योर हो गई हुई है, नॉट क्लियर है, टेंटेड हो गई है, और इम्प्रोवाइज का मतलब होता है मुहैया करना। अब इम्प्रोवाइज का मतलब इस तरह होता है कि मतलब आपके पास कोई अवेलेबल रिसोर्सेज नहीं है, लेकिन आपने किस तरह से मैनेज कर लिया, हमने इम्प्रोवाइज का वर्ड पढ़ा हुआ है, याद करें कहाँ कहाँ पढ़ा हमने, ही इम्प्रोवाइज्ड अ सैक, याद है उसमें जो डिस्ट्रॉइंग ऑन डिस्ट्रॉइंग बुक्स के अंदर है, तो उसने किसी तरह से वो जो ना थैला बना लिया था अवेलेबल चीजों से, मतलब कोई कुशलवार होगी, पेंट होगी, तो उसने उसको थैला बना लिया होगा, वट एवर इट इज, तो किसी भी तरह से कोई चीज में आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेज से काम चला देने को इम्प्रोवाइज कहते हैं, ठीक है। रीइन्फोर्स के माने में सेकंड मीनिंग होता है, प्रिक्लूड का मतलब रुकावट के मानों में, मना करने के मानों में होता है। अब हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, वो प्रोक्योर का बनता है, इसका मतलब ऑब्टेन होता है, ठीक है। और ये प्रोक्योर पिछली जो पुरानी यूएचएस की वोकैबुलरी थी उसका ये हिस्सा भी था, और यही वर्ड था उसका सिर्फ, और यही हमारा आंसर बन रहा था, ठीक है जी। चले जी, नेक्स्ट हम जाते हैं जी क्वेश्चन नंबर 2 में, Things have got out of hand. We must take steps to dash the situation. अब वो कहता है जी कि चीजें जो things हैं वो हमारे हाथ से दूर निकल गई हुई हैं, तो we must take steps to do something. हमें situation को control करने के लिए कुछ ना कुछ जगह करना है, तो भाई क्या करेंगे हम,
रेक्टिफाई करें, रेक्टिफाई द सिचुएशन, हालात को, रेक्टिफाई का मतलब होता है करेक्ट कर देना, तो क्या हालात को करेक्ट किया जा सकता है। पैसिफाई का मतलब होता है कि पुरसकून कर देना, चीजों को काम डाउन कर देना, पैसिफाई द सिचुएशन, सिचुएशन को काम डाउन। अब पैसिफाई के साथ हमने कितने वर्ड पढ़े हैं, पैसिफाई है, अपीज है, APEASE, अपीज है, पैसिफाई है, कूल है, काम है, रिलैक्स है, कंपोज्ड है, ये सारे वर्ड हमने बेटा के पढ़े हुए, हमें पता है। ट्रैंक्विल के मानों में भी आता है, ट्रैंक्विलिटी, पीसफुलनेस, सीरेनिटी, ये हमने सारे वर्ड पैसिफाई में पढ़े हैं। टेस्टिफाई का मतलब तस्दीक करना होता है, तो जारी बताइए मुझको। प्योरीफाई का मतलब होता है, प्योरीफाई द सिचुएशन का मतलब होता है सिचुएशन को पाक कर देना, ठीक है ना, तो प्योर प्योर कर देना। तो हमारे पास जो आंसर बचता है वो रेक्टिफाई का आंसर बनता है। आई थिंक दिस शुड बी द आंसर। जी बेटा, ये सादिया ने काम का दिया, पोएस, ट्रैंक्वल और सीडेट, बहुत अच्छा वर्ड जो है ये सादिया बेटे की तरफ से आ रहा है। ठीक, थैंक यू बेटा सादिया। तो हमारा यहाँ बेटा ये आंसर रेक्टिफाई बनना चाहिए, बाकी हम इसको जब आंसर निकालेंगे सेकेंड फेज के अंदर, जब हम इसके क्वेश्चन आज के पी के साथ रिलेट करेंगे, तो फिर हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। लेडी जॉर्ज ऑरवेल्स एनिमल फॉर्म इज स्टिंगिंग डैश ऑन द रशियन रेवोल्यूशन। अब जॉर्ज ऑरवेल जो है ये एक राइटर था, क्लासिकल राइटर और कमाल का राइटर था, और बड़ी अच्छी ऑब्जर्वेशन थी इसकी, और उसने बड़ी जबरदस्त चीजें किताबें लिखी भी हुई हैं। तो शूटिंग एन एलिफेंट इसके बहुत मशहूर एक आर्टिकल था, एक स्टोरी थी उसकी। अच्छा, तो जॉर्ज ऑरवेल जो एनिमल फॉर्म जो है ना, ये उसकी किताब का नाम है, एक एनिमल फॉर्म है, उसने लिखा हुआ था एनिमल फॉर्म के ऊपर। और वो एनिमल फॉर्म जिसने उसको पढ़ा हुआ जॉर्ज ऑरवेल, उसकी तो मसला ही नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम ये है मेरे बच्चों कि जिन बच्चों ने जॉर्ज ये जो सेंटेंस पढ़ने जा रहे हैं, उनको जॉर्ज ऑरवेल का पता ही नहीं कि जॉर्ज ऑरवेल कौन है, तो चे जाएंगे वो सेंटेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो परेशान नहीं होना, आपने चलते हैं कि वो उसने हमें हमसे क्लू वर्ड देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है जॉर्ज ऑरवेल एनिमल फॉर्म, ये कोई एनिमल फॉर्म है जो कि जॉर्ज ऑरवेल का, और ये स्टिंगिंग है। अब अगर फर्ज में स्टिंगिंग का मतलब भी नहीं आता, तो फिर तो हालात बहुत मुश्किल हो जाएंगे, और फिर रशियन रेवोल्यूशन को भी ना पता हो, तो फिर तो मुश्किल होगा ना हमारे लिए, बिकम रियली डिफिकल्ट, मुश्किल हो जाएगा। लेकिन परेशान नहीं होना बेटा, हर चीज का हल होता है। देखिए अभी टेस्ट ही हुआ, लेकिन हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो जितनी अच्छी प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा आपका चीजें बेहतर हो जाएंगी। अभी भी आपको टाइम है, इन चीजों को सीख लें। ये जो एनिमल फॉर्म है, उसकी एक जो उसने मजमून लिखा या इसने किताब लिखी, उसका एक टाइटल है। और स्टिंगिंग का मतलब होता है पंजेंट, बिटर, हार्श, जो जनाब जी वो दिल को लगता है जाके चुपने वाले को स्टिंगिंग कहते हैं, ठीक है जी। अब इसका मतलब यह है कि वो रशियन रेवोल्यूशन जो रशिया में एक इंकलाब आया, उसके ऊपर एक स्टिंगिंग डैश था। अब स्टिंगिंग मिथ, मिथ का मतलब तो एक ऐसी कहानी होती है, एक ऐसी बात होती है जो जो लगता है कि सही है लेकिन असल में सही नहीं होती, उसको मिथ कहते हैं। तो रशियन रेवोल्यूशन के ऊपर तो स्टिंगिंग मिथ का कोई बात नहीं बनती। सटायर का मतलब तनकीद होता है, बिल्कुल बात बन रही है यहाँ पे। फैलेसी का मतलब गलत फहमी होती है, मिस्टेक होती है कि ये उसका स्टिंगिंग में फैलेसी ऑन रशियन रेवोल्यूशन है। और लेजेंड का मतलब भी मिलता जुलता मिथ के साथ, इसका मतलब फैलेसी और सटायर के अंदर कहीं आ सकता है। तो मेरा ख्याल है कि हमारा जो आंसर है वो सटायर बनना चाहिए, क्योंकि वो कहता है कि रशियन रेवोल्यूशन के ऊपर ये उसने तनकीद लिखी है, ये तो वो सटायर होगा। ठीक है, चले हमारा बीटा आंसर बेटा ये टिक करते जाइएगा इसको, आप जो कह रहे हैं, बाकी जब इसके आंसर आएंगे तो हम इसको फिर मजीद डिस्कस करेंगे। लेडी नंबर फोर के अंदर हमारे पास आता है क्वेश्चन, ऑल द डैश एंड सेरेमनी ऑफ द रॉयल वेडिंग वाज टेलीकास्ट ऑन नेशनल टेलीविजन। अच्छा जी, अब हमारे पास बात आ रही है टेलीविजन सर्किट में, अब क्या हुआ डैश एंड सेरेमनी, अब बात हो रही है सेरेमनी की, और सेरेमनी के दरमियान क्या वर्ड हुआ एंड। देखो बेटा, हमने बड़ी मैंने डिटेल के साथ हमने जब सेंटेंस कंप्लीशन पढ़ा था तो कुछ पॉइंट्स हमने डिस्कस किया था, हमने बेटा जी 5 पॉइंट डिस्कस किए थे, बल्कि 6 पॉइंट, 5 पॉइंट थे वोकैबुलरी को गेस करने के लिए, हाउ टू गेस द अनफैमिलियर वर्ड्स। तो आपको याद होगा कि एंड से पहले और बाद वाले वर्ड आमतौर पर क्या होते हैं, सेम होते हैं। इसका मतलब कि यहाँ पे लफ्ज है सेरेमनी, तो अगर सेरेमनी का वर्ड है तो सेरेमनी से मिलता जुलता वर्ड जो है ना वो पीछे आना चाहिए। अच्छा, अब सेरेमनी से पीछे वर्ड जो है वो फेस्टिवल है, और फेस्टिवल और सेरेमनी जो है वो ठीक वर्ड बनता है। तो ऑल द फेस्टिवल एंड सेरेमनी ऑन द रॉयल वेडिंग वॉज टेलीकास्ट। अच्छा, बिल्कुल फेस्टिवल बनना चाहिए यहाँ पे आंसर, क्योंकि सेरेमनी से मिलता जुलता है, बात बिल्कुल लगती है। बीटा में देखें रॉम्प, रॉम्प को ये स्टेज होती है ना, वो प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म होता है जिसके ऊपर मॉडल्स जो है वॉक करते हैं। अब ये रॉम्प एंड सेरेमनी का कुछ सेंस नहीं बनता। अच्छा, पॉम्प एंड सेरेमनी, अब पॉम्प एंड सेरेमनी का मतलब होता है शान और शौकत, दबदबा, ग्रैंडियर, मैग्निफिसेंट, शानदार, ग्लोइंग, सारे मीनिंग आते हैं। अब हैप्पीनेस एंड सेरेमनी ऑफ द रॉयल, अब सेरेमनी और हैप्पीनेस का लिंक नहीं बनता आपस में, हालांकि हैप्पीनेस आ सकता है। अब हमारे पास हम हैप्पीनेस को नहीं कर सकते, अब रॉम्प भी निकल गया, हैप्पीनेस भी निकल गया। अब फेस्टिवल और पॉम्प के अंदर हम थोड़ा सा हमारा जो है ना वो टाई बनता है कि पॉम्प एंड सेरेमनी दिखाई गई थी या फेस्टिवल एंड सेरेमनी बन गई था। एंड वाले रूल के मुताबिक तो फेस्टिवल बनना चाहिए, क्योंकि फेस्टिवल और सेरेमनी मिलता जुलता वर्ड है। फेस्टिवल त्यौहार मनाने को कहते हैं, सेरेमनी कोई सी भी तकरीब होती है,
ठीक है, थोड़ा सा फर्क है इसके अंदर। अच्छा अब इसके ऊपर टाई क्या पड़ा कि पॉम्प का जो वर्ड था ये यूएचएस लिस्ट का वर्ड था, इसलिए ये आंसर बन रहा था। मजे की बात ये, ठीक है, तो यही हमारा जो आंसर बनता है। बाकी हम जब इसकी जब क्वेश्चन आंसर आएगा, जब इसके हम की पे जाके बात करेंगे तो मजीद इसके ऊपर डिस्कस करेंगे कि फेस्टिवल क्यों नहीं आया यहाँ पे। ठीक है जी, चलो बेटा जी, आज हमने कल नाउन के बारे में वो हमने किया था, नाउन को बेटा हमने पढ़ा था, नाउन के 6 रूल्स हैं और हमने इसके कितने क्वेश्चन किए थे, नाउन के हमने 5 क्वेश्चन कर लिए थे। ठीक है जी, अब हम मजीद जो है वो 5 क्वेश्चन करेंगे इसी के। तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, ऑल इज वेल व्हाट एंड्स वेल सेड द फादर व्हेन ही हैड फिनिश्ड द स्टोरी। तो बेटा 2014 का ये क्वेश्चन है। तो बेटा ऑल इज वेल व्हाट एंड्स नहीं है, बल्कि ये भी एक इडियम है, तो इसका मतलब है ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल के साथ आएगा, तो आंसर हमारा यहाँ पे अल्फा बनना चाहिए। ठीक है अच्छा बेटा, इसके बारे में मैंने आपको एक रूल बताया हुआ था स्पॉट द एरर को फाइंड आउट करने का, कि आपको सारे वर्ड पढ़ने की जरूरत नहीं, आपको सबसे पहले फोकस करें जो अंडरलाइन वर्ड है। एक ऑल इज वेल व्हाट है और ये बी सेड के नीचे लिखा हुआ है तो सेड आ सकता है, और ये जो सी है ये ही हैड फिनिश्ड है। ठीक है अब यहाँ पे पास्ट सिंपल है, आगे पास्ट परफेक्ट आ सकता है, द स्टोरी में कोई मसला नहीं है, फिनिश द स्टोरी, द स्टोरी के साथ आर्टिकल दा लगा हुआ है, इसको उसने स्पेसिफाई कर दिया, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम नजर आ रही है, ठीक है, ऑल दैट ग्लिटर इज नॉट गोल्ड व्हेन ऑल कम्स वी यूज दैट। जी बिल्कुल, ये भी साथियों ने बड़ा अच्छा रूल बताया कि जब हम ऑल यूज करते हैं तो उसके बाद दैट लगता है, ऑल दैट, ऑल कम्स वी यूज, ऑल दैट ग्लिटर इज नॉट गोल्ड। ठीक है, तो ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, वैसे भी होता है, ये इडियम का ये हिस्सा था। अच्छा इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 7 है, चिप्स थिंकिंग इट ओवर अ गुड मेनी टाइम ऑलवेज एडेड टू हिमसेल्फ दैट कैथी वुड हैव अप्रूव्ड एंड वुड आल्सो हैव बीन अम्यूज्ड। अच्छा जी, अब हम इसको देखते हैं। नंबर 1 यहाँ पे थिंकिंग इट ओवर है, चिप्स थिंकिंग इट ओवर, अब देखें यहाँ कॉमा स्टार्ट हुआ, आगे कॉमा लगा, इसने इसको पार्टिसिपल फ्रेज में थिंकिंग इट ओवर, इसके ऊपर सोचते हुए, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, आ लिखा हुआ है, फिर आगे मैनी लिखा हुआ है, और मैनी के बाद ये मैंने आपको 4 वर्ड बताए, मैं आपको याद है 4 वर्ड, बोथ मैनी सेवरल, बोथ मैनी सेवरल फ्यू और मैनी, मैनी बोथ सेवरल फ्यू, ये 4 वर्ड है बेटा। जहां कहीं आते हैं उसके बाद नाउन आना चाहिए और वो नाउन जो है वो प्लूरल होना चाहिए, याद है। तो अब मैनी का वर्ड है तो उसके बाद टाइम नहीं होना चाहिए, बल्कि क्या होना चाहिए यहाँ पे, टाइम्स होना चाहिए। तो ये बीटा आंसर हमारा होना चाहिए, ऑलवेज एडेड टू हिमसेल्फ, अपने आप से इजाफा करता, दैट कैथी कैथी वुड हैव अप्रूव्ड, ये बिल्कुल ठीक लिखा हुआ, अप्रूव भी लिखा हुआ, वुड हैव भी लिखा हुआ, नो प्रॉब्लम। तो लिहाजा हमारा आंसर बीटा होना चाहिए। ठीक है, मजीद हम की देखेंगे तो मजीद इसको डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में enlarged and beautified, enlarged भी किया गया, beautified भी किया गया by later caliphs। अब ये लेटर में प्रॉब्लम हो सकती है कि कहीं ऐसा तो ना हो कि LATER लेटर होता, अगर LATER होता तो फिर इसका मतलब है कि आगे बताई होती दो बातों में से आखिरी बात, दो बातों में से आखिरी, तो वो दो बातों को जिक्र तो नहीं किया गया, तो लेटर लेटर के अलावा बाद में आने वाले, ये ठीक बन रहा है, मिस्टेक नहीं है। अल्जोरा बिकेम, अब ये बिकेम जो है ये भी पास्ट टेंस है और बिल्कुल पास की बात हो रही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं रहा। द न्यूक्लियस ऑफ अ रॉयल शबाब हूज रिमेन, अभी हमने कल ही बात की थी कि वो कुछ नाउन जिनके साथ हम एस लगाते हैं कि मीनिंग चेंज होते हैं, तो यहाँ रिमेन्स आ जाएगा, रिमेन्स पार्टली एवैक्यूएटेड इन अंडर इन एंड आफ्टर 1990 कैन स्टिल बी सीन, आज भी देखे जा सकते हैं 2014 के सेंटेंस है यहाँ पर रिमेन्स, और हमने वो कुछ पढ़े थे कि नाउन सिंगुलर और प्लूरल मीनिंग चेंज होते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखें क्वेश्चन 9 में आ रहा है, द थ्री अब्दुल रहमान, यहीं पर मिस्टेक हो गई, ये जो होते हैं ना 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये न्यूमेरिकल होते हैं, न्यूमेरिकल दो तरह के होते हैं, ऑर्डिनल होते हैं और कार्डिनल होते हैं। जो ऑर्डिनल होते हैं ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ होते हैं, और जो दूसरे होते हैं ऑर्डिनल, कार्डिनल जो होते हैं 1, 2, 3, 4, ऑर्डिनल फर्स्ट सेकंड, तो जो कार्डिनल होते हैं उनके साथ आर्टिकल दा नहीं आता, सिर्फ ऑर्डिनल के साथ आता है, द फर्स्ट द सेकंड द थर्ड द फोर्थ। लेकिन उसकी में भी कंडीशन है कि जब भी आपने किसी प्राइस देने की बात करनी है, पोजिशन की बात करनी है, तब भी दा नहीं लगाना आपने, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे द थर्ड अब्दुल रहमान की बात हो रही है, तो यहाँ पे द थ्री के बजाय अब्दुल रहमान द थर्ड होना चाहिए था, या द थर्ड अब्दुल रहमान होना चाहिए था, तो अब्दुल रहमान द थर्ड, ये फ्रेज ऐसी होगी। लाइक हिज इलस्ट्रियस का मतलब फेमस होता है, प्रेडेसेस का मतलब बाद में आने वाले, वॉज ही आएगा क्योंकि अब्दुल रहमान की बात हो रही है, यंग मैन ऑफ 23 व्हेन ही टुक हिज ऑफिस, जब उसने किया, तो अब्दुल रहमान द थर्ड इसका जो आंसर ऑलरेडी लिखा भी हुआ। चले लास्ट बेटा हम इसको पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ते हैं हम इसको। सर प्लीज थोड़ा बता दें सिलेबस का, मुझे समझ नहीं लग रही
सिलेबस का मुझे क्या समझ लगी, चले बता बताता हूँ मैं आपको। अच्छा, यू हैव पुट योर लाइफ इन हिज हैंड्स मेनी ऑट टाइम। अगेन बेटा जी देखें, एक ही पेपर के अंदर, ये 2015 में आया और 2014 के अंदर आया, ये रूल बार बार दो दफा आ चुका है। मैनी अ टाइम होता है और अ मैनी टाइम्स होता है, तो चूंकि मैनी और आ लगा हुआ है तो आर्टिकल के बाद, बेटा आर्टिकल के बाद आने वाला जो नाउन होता है वो मोस्टली सिंगुलर होता है, मोस्ट ऑफ द सिंगुलर होता है, तो बेटा अ टाइम नहीं होगा, अ टाइम होगा, ये डेल्टा में आंसर आएगा। ठीक है जी, चले बेटा ये हमारा हो गया, हमारा नाउन बेटा जी हमने क्लियर कर लिया, दो दो टेस्ट डिस्कशन के अंदर नाउन बेटा जी हमारा क्लियर हो गया। अब हम ये करेंगे कि नाउन के वाले से और भी कुछ ऐसी चीजें तो हम उसको ऐड कर देंगे इसके अंदर, अपने टेस्ट के अंदर। लो जी बेटा जी, नेक्स्ट हमारा चलेगा, अब हम चलेंगे किसके तरफ वाला, अब हम चलेंगे इसके करेक्शन की तरफ। ये जो आपने अभी करवाया है ना कि यू हैव पुट योर लाइफ इन हिज हैंड मेनी अ टाइम्स ना, तो मेरे पास जो पास्ट पेपर है उसमें ऑप्शन सी लगा हुआ है। नहीं नहीं बेटा नहीं, वो अभी हम इसके बाद जब इसके आएंगे ना सेकंड, जब मैं इसके जब की पास्ट पेपर की के साथ लेके इसको मैं आपको डिस्कस करूंगा तो हम उसको भी की कर लेंगे, लेकिन मैंने ये भी बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं लग रही हमारी, ये बिल्कुल ठीक है। या तो बेटा आप लिखें आ मैनी टाइम्स लिखें, ठीक है, या आप लिखें मैनी आ टाइम, बेटा यही फ्रेज होती है और इसमें कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। वो मजीद जब मैं आपको पास पेपर की निकाल के उसको मैंने रिलेट किया हुआ है, मजीद डिस्कस करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है। आए बेटा जी, हम हमारे पास आते हैं जी नाउन के वाले से, नाउन के बेटा जी हम पांच चीजों को पढ़ेंगे, पांच हमने कल क्वेश्चन कर लिए थे, मजीद पांच हम क्वेश्चन और कर लेंगे आज, लगता है नाउन हमारा, बल्कि ये दो क्वेश्चन ही बनेंगे नाउन के, क्योंकि पांच हम कर लिए थे। अच्छा जी, नाउन के बारे में बेटा जी हमारा क्वेश्चन है, आज हम जो ना वो मैंने कहा था कि 25 हमने वो भी करने हैं, क्या कहते हैं वर्ड वर्ड हमारे जो ना यूएचएस के वर्ड भी करेंगे आज हम। क्वेश्चन नंबर 26 क्वेश्चन है, दिस इज वन ऑफ द बाइफर्केटेड रोड। अब देखें ये वन ऑफ वाला कितना रूल आया हुआ है, जब कभी बेटा ये वन ऑफ आता है आगे रोड नाउन प्लूरल होता है तो देखें वन ऑफ द बाय रोड गलत, रोड ठीक, रोड गलत, और ये बीटा ऑप्शन इसका ठीक होगा, तो वन दिस इज वन ऑफ द बायफर्केटेड रोड्स, तो बेटा ये बीटा ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए, यही हम इसको कलेक्ट करेंगे, ठीक है। देखें कैसे सही सी रूल के मुताबिक चीजें आ रही है, ऐसे बेटा रूल अगर आपने पढ़े होते हैं ना तो इसी तरह की चीजें आ रही होती है, कोई आगे पीछे तक जाना वो कंफ्यूज नहीं करता आपको। अच्छा जी, ये कौन चले गए भाई, बहुत आगे निकल गया हम लोग, चले चले किधर चले, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ये आ गया ना। अच्छा जी, ये हमारा छठा भी हो गया, सातवां देखें, सातवें में लिखा हुआ है कि क्या वाकई पेपर ऐसा आता है, बिल्कुल बेटा ऐसी पेपर होता है, और ये पास पेपर ये मैंने थोड़ी बनाया है, 2015 का पेपर आया है, अभी आपने 2019 का पेपर अगर आपको मैं करवा दूं तो वो बड़े वो तो है ही बहुत आसान पेपर, आप ऐसे ही इसके बारे में टेंशन हो, मैं आपको बार बार बताता हूँ बेटा पेपर बहुत आसान होता है, लेकिन उसका हवा उसका जो है ना वो जो हवा ऐसी सख्त होती है या ऐसा उसका आपके ऊपर आप तारी कर लेते हो कि आपको समय लगता है कि आपका सांस बंद हो जाएगा आपको। नहीं जी, 2015 का पेपर है, क्वेश्चन 7 में, द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इंडिकेट्स वन ऑफ द ग्रेटर, फिर बेटा वही क्वेश्चन आ गया, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पैराडॉक्सेस होना चाहिए था, और देखो मजे की बात है सिर्फ एक ही पैराडॉक्सेस ने आंसर करेक्ट किया हुआ है, पैराडॉक्सेस ऑफ आवर टाइम, द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इंडिकेट्स आना चाहिए था, देखो ना बीटा के अंदर इंडिकेट लिखा हुआ गलत किया हुआ है, अब हम स्टडी की बात करें ना, स्टडी ऑफ पॉपुलेशन तो इंडिकेट्स आएगा, तो उसने देखे बीटा ने वो गलत कर दिया है और बाकी सब ने उसने पैराडॉक्स लिखा हुआ है, और चार्ली के अंदर उसने यहां देखें इंडिकेट्स बिल्कुल ठीक है, बीटा के अंदर इंडिकेट करके गलती की है, और वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पैराडॉक्सेस होना चाहिए था, बाकी सब के अंदर उसने पैराडॉक्स पैराडॉक्स करके गलत किया है, ऑन आर टाइम बाकी कोई ऐसा मसला नहीं है, तो इसमें भी हमारा आंसर जो है वो चार्ली करेक्ट होना चाहिए था। ठीक हो गया बच्चों जी, अब हम मैं आपको जल्दी जल्दी से एक और चीज इसी हवाले से, ये बड़ी मजेदार चीज है, बहुत काम की चीज है जो आप इसको समझिएगा। देखें देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ, ये बेटा प्रपोजिशन की चीजें, तो ये प्रेपोजिशन के वाले से कुछ सेंटेंसेस हैं, मैं ये चाह रहा हूँ कि आप इसको भी साथ साथ पढ़ लें, क्योंकि हमारे पास अभी स्टिल 7 मिनट्स हैं, हम 7 मिनट्स के अंदर इसको यूटिलाइज कर सकते हैं, तो जब नेक्स्ट हमारा अगला फेज आएगा तो अगले फेज ये जो मैं थोड़ी देर बाद हम जब भी ज्वाइन करेंगे तो उसमें मैं आपको वोकैब की टेस्ट भी अभी दे दूंगा ताकि हम उसको डिस्कस भी कर लें। अच्छा जी, ये क्या क्वेश्चन आ रहा है, मैनी आर टाइम्स, बेटा मैनी आर टाइम्स होता है, मैनी आर टाइम होता है,
एमसीक्यूज में मेनी टाइम्स ऐसे होगा जी बेटा, मेनी टाइम्स हो सकता है लेकिन आ मेनी टाइम्स और मेनी अ टाइम, मैं इसको लिख दूंगी आपको फ्रेजेस बेटा, ये दो तरह की फ्रेजेस बनती है, मैं आपके सामने बेटा लिख देता हूँ आपको ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये देखिए बेटा पहली 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 फ्रेज ये देखें, अगर आ रहा है मैनी और आ रहा है ए, ठीक है मैनी ए आ रहा है तो आप लिखोगे मैनी अ टाइम, इसके बाद आप लिखोगे टाइम। अगर मैं लिख रहा हूँ मैनी, मैंने लिखा मैनी आगे ए आ गया तो बॉय होगा या बॉयज होगा, मैनी या बॉयज होगा, ठीक है। अब मैंने कहा मैनी, अब टीचर लिखूंगा कि टीचर्स होगा, मैनी या टीचर होगा, ठीक है। अब मैं लिख लिखा हूँ ए मैनी, क्या लिखा मैंने ए मैनी, अब मैंने अब जब मैंने ए में लिखा तो मैनी होगा आ मैनी टीचर्स होगा जी, आ मैनी टीचर्स, ठीक है। और क्या होगा आ मैनी बॉयज होगा। अब बट ये रूल है, ये नहीं चेंज होने वाला, पक्का रूल है, इसको कहीं से भी आप चैलेंज कर सकते हो, ठीक है बच्चों जी। अभी देख लेते हैं बेटा वो जो आप कह रहे हो ना उसको भी चेक कर लेते हैं। लो बेटा ये प्रपोजिशन के वाले से, चूंकि सबसे ज्यादा सर यू आर अ ग्रेट टीचर, अल्लाह आपको इससे अगर चले, ठीक है बेटा जी बड़ी मेहरबानी आपकी। अच्छा ये आपने कहा कि अब बेटा हम प्रपोजिशन के वाले से, चूंकि मेजोरिटी क्वेश्चन जो है ना वो प्रपोजिशन के आते हैं, बल्कि 80% क्वेश्चन प्रपोजिशन के आ रहे हैं, तो मैं आपको सामने ये लाइनें लिखी हुई है, हमने पांच लाइनें पढ़ लेते हैं। When you are getting on in years, ठीक है याद आया ये कौन सी लाइन है, ऑन इन ईयर्स। अब गेट ऑन इन ईयर्स, ये जो ना आप कहेंगे दो प्रोनाउन प्रपोजिशन इकट्ठे आए हैं, जब दो प्रोनाउन इकट्ठे आते हैं उनको कंपाउंड प्रपोजिशन कहते हैं। तो गेट ऑन बेटा असल में ये ऐसे है, ये है गेट ऑन, गेट ऑन, और अगला वर्ड है इन ईयर्स। तो गेट ऑन इन ईयर्स का मतलब होता है ओल्ड, गेटिंग ओल्ड। यू गेट वेरी स्लीपी एट टाइम्स, इसको याद रखना आप, ठीक है, वक्त के साथ साथ आप बूढ़े होने लगते हो। He had been there more than a decade. देखिए more than a decade. ठीक है, he had been there more than a decade. Ever since. ये since भी preposition है. Ever ऐसे preposition time है. Since he finally gave up his mastership. Gave up का मतलब होता है छोड़ देना, तरक कर देने को कहते हैं gave up. ठीक है ना, gave up his gave up. अच्छा इसके बाद है Mrs. Wicket Chips would sing out. ये सब देखिए ना sing. अब ये पेपर में जो क्वेश्चन आता है ना कि मिसेस विकेट चिप्स वुड सिंग इन दैट जर्की, तो हमें लगता है कि यार आउट नहीं आएगा यहाँ पे, तो इसको मिस कर देते हैं। तो ये पेपर में आ चुकी हैं चीजें, सिंग आउट भूलना नहीं है इन चीजों को। ये मैंने वो सेंटेंसेस सिलेक्ट किए हैं जो अक्सर पेपर में आने के चांसेस होते हैं और हम भूल जाते हैं, सिंग आउट होगा याद रखेगा इसको इन दैट। और मैंने ये 5% इसलिए कराऊंगा कि ये आपके जहन के अंदर ना फिक्स रह जाए कहीं ना कहीं से, इन दैट जर्की हाई पिच। और बेटा यहाँ पे हाई पिच है, हाई पिच वॉइस नहीं, पेपर में आ चुका है ये वाला हाई पिच वॉइस नहीं होगा, हाई पिच्ड वॉइस होगा, क्योंकि वॉइस नाउन है उसके पीछे हम जो ना पार्टिसिपल लगाते हैं पिच के साथ। दैट हैड स्टिल अ गुड, दैट स्टिल अ गुड, इसको भी नहीं भूलना आपने, अ गुड डील ऑफ स्प्राइटलीनेस इन इट के साथ जो ना वो चीज आ रही है, ठीक है बेटा इसको। इसके बाद नंबर 4 पे व्हेन यू आर गेटिंग ऑन इन ईयर्स, फिर वही बात आ गई, इट इज नाइस टू सिट बाय द फायर। ये बड़ा गौर से करना, सिट बाय, इसके ऊपर हम डिटेल के साथ हमने प्रपोजिशन में पढ़ा था, सिट बाय, सिट अलोंग, सिट हम कहते हैं जी सिट बिसाइड, सिट बाय, सिट एट, सिट ऑन, इसमें डिटेल से बात की थी। सिट बाय द फायर का मतलब होता है बिल्कुल अंगीठी के पास बैठना, जुड़ के बैठने को भी सिट बाय द फायर कहते हैं। एंड ड्रिंक अ कप ऑफ टी, बेटा ड्रिंक अ कप ऑफ टी, एंड लिसन, लिसन के साथ हमेशा क्या आता है, टू आता है। ऑन एंड ईयर्स वाला रूल, बेटा ये ऑन एंड ईयर रूल नहीं है, बस ये सिंपल एक कंपाउंड नाउन है। तो ऑन इन का मतलब होता है ग्रो करना, ठीक है ना, बूढ़े होने को कहते हैं, व्हेन यू गेट ऑन इन ईयर्स बूढ़े होने को कहते हैं, idiom है ये, idiomatic expression है ये वाला। इस तरह से पांचवा बेटा ये देखें, listen के साथ two preposition भूलना नहीं है, हमेशा listen के साथ two आता है। और chips always wound के साथ up, wound up the clock after the last that last bell, ठीक है बेटा ये पांच हमने sentence कर लिए हैं। और इसके बाद हमने वो पांच sentence कर लिए हैं। अब हम अगले फेज के अंदर जब आप इसको रीज्वाइन करेंगे तो हम इसके की डिस्कस कर लेंगे और एक दो चीजें जो आप क्वेश्चन आंसर लेंगे मैं उसको डिस्कस कर लूंगा। अभी वहां पर 2 मिनट मौजूद है, आप इन बेटा 2 मिनटों में कुछ क्वेश्चन करना चाहते हैं तो कर लें, मैं आपके बेटा माइक ऑन कर रहा हूँ, ठीक है जी। जी बेटा जी कोई क्वेश्चन है तो बेटा जी आप यू कैन आस्क दिस क्वेश्चन, आपके मैंने माइक ऑन कर लिए हुए हैं और ये हमारे पास 1-2 मिनट है बेटा, एनी क्वेश्चन इफ यू वॉन्ट टू आस्क आई एम देयर टू आंसर यू जी प्लीज।
No one? No question at all. No question at all. Acha, if there is no question, then let me message aa gaya. अच्छा जी, कैन यू रिपीट मीनिंग ऑफ सिटायर? बट सिटायर का मतलब होता है, हम कहते हैं ये जो ना सिटायर, उसमें क्या है, लिटरेरी टर्म है, उसके अंदर हम जब किसी को हम कहते हैं तंज करना होता है, या हमने उन बातों को हाईलाइट करना होता है जो ओपनली हाईलाइट नहीं की जा सकती, तो लफ्जों का लिबादा ओढ़ के हम उनको सिटायर करते हैं. तो सिटायर दो तरह का होता है, एक आयरनी होती है, एक सिटायर होता है. सिटायर और आयरनी एक ही चीज होती है, मतलब मैं जो बात कह रहा हूँ वो मेरा मतलब नहीं होता, मेरा मतलब कोई और होता है और मैं लफ्ज कुछ और यूज कर रहा हूँ. मैं आपको यूं समझाता हूँ कि कोई आदमी है, कोई बच्चा है, वो क्लास में लेट आया और आप उसको कह रहे हो कि देखो यार तुम इतनी जल्दी आ गए हो. तो तुम इतनी जल्दी आ गए हो, और जल्दी तो नहीं आया, वो लेट आया, तो वो उसको समझ लगेगी कि सर ने मुझे तंज किया है. तो तंज करने को आयरनी कहते हैं. लेकिन आयरनी से बढ़कर कोई आप इस तरह की इस आयरनी यूज करें जिसे सुनने वाला जो है वो जल भुन जाए, उसको गुस्सा आए कि यार ये इतना मुझे, ये क्यों मुझे टॉन्ट कर रहा है, फिर वो सटायर बन जाता है. ये लिटरेरी टर्म्स है, ठीक है.